तो हाय गाइस, कैसे हो? हाइप सब बढ़िया होगा, ठीक है। फाइनली गाइस आ चुके हैं कार्तिक आर्यन के चंदू चैंपियन के कोने एपिसोड में वापस। तो एडवांस बुकिंग की बात करेंगे, अब तक का हमारा ये सेकंड एपिसोड है और आज क्या है 11th of June। आज का दिन भी हम इंक्लूड कर दें तो 11, 12, 13 अभी 3 दिनों का टाइम है भाई। देखेंगे 3 दिन पहले रहते अब तक भाई नंबर्स की गाड़ी है वो कहाँ तक जा चुकी है। देखो मैंने यस्टरडे वाले एपिसोड में आप सभी को बताया था कि भाई इतना ज़्यादा भाई चंदू चैंपियन मेरे को स्ट्रॉन्ग है वो नहीं दिख रही है, बट कार्तिक आर्यन भाई काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है तो उम्मीद करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने भाई एक फ़ोटो भी शेयर किया था, एक उनका पेड़ बाहर, दूसरा मतलब ये सब दो तीन मंथ में भाई उन्होंने चेंजेस करने की कोशिश है वो की है, वेट गेन हो या फिर लॉस क्यों ना हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो की है नो डाउट अबाउट। बट क्या उनको भाई अपनी मेहनत का फल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा भाई, ये अभी देखना दिलचस्प होगा। बट हमने देखा है यार, जिस प्रोजेक्ट में एज अ एक्टर कोई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है शायद काफ़ी कम ही रिस्पॉन्स मिलता है कभी कभी। एक एग्जाम्पल आप अजय देवगन की मैदानी पकड़ लो भाई, इतना ज़्यादा भाई उन्होंने टाइम लिया इस मूवी को बनाने के लिए, बीच में कोविड भी आ गया, बाद में रिजल्ट क्या निकल के सामने आया भाई, इतने अच्छे रिव्यूज़, इवन मूवी भी काफ़ी अच्छी थी, बट भाई स्पोर्ट्स ड्रामा रियल स्टोरी पर बेस, पब्लिक को सब पता रहता है तो वो ज़्यादा भाई थिएटर तक नहीं जाती। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ऐसा सीन ना हो, अच्छा सा बिजनेस है वो निकाल के जाए। बट जिस तरह मेरे को अब तक एडवांस बुकिंग है वो देखने को मिल रही है भाई, स्पीड काफ़ी ही ज़्यादा स्लो है, जो कि मैक्सिमम अब सब कुछ आ चुका है भाई, मटेरियल जो रिलीज से पहले आना चाहिए, मतलब कि सॉन्ग्स हो, टीजर हो या फिर ट्रेलर क्यों ना हो। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले 3 दिन भाई किस तरह के रहते हैं। चलो देख लेते हैं अब तक क्या कहाँ तक गाड़ी है वो पहुँच चुकी है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, सबसे पहले स्टेट वाइज जो मेन स्टेट्स हैं 500+ शोज हैं और 6 लाख के आसपास एडवांस है, नंबर सब विदाउट ब्लॉक सीट्स हैं, 6 लाख के आसपास एडवांस है और 1677+ टिकट्स वो बिक चुके हैं, 1600+ है तो भाई थोड़ा मामला ढीला ही है। दिल्ली यूटी की बात करें, 410 शोज है, 4 लाख एडवांस है एंड 906+ टिकट्स बिके हैं भाई। दिल्ली यूटी में अभी 1000 टिकट्स तक नहीं बिका है, थोड़ा मामला भाई खराब ही है। गुजरात की बात करते हैं, 410 शोज हैं, 3 लाख के आसपास नंबर है एंड 995+ टिकट्स हैव बीन सोल्ड, मामला यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। थोड़ा सिटी वाइज देख लेते हैं, मुंबई में 277 शोज में 5 लाख एडवांस है और 1530+ टिकट्स यहाँ पे बिके हैं। दिल्ली NCR में 417 शोज है, 4 लाख एडवांस और 906+ टिकट्स यहाँ पे बिके हैं, मतलब कि 1000 भी नहीं। इलाहाबाद में 109 शोज हैं, 2 लाख एडवांस हैं, 604 टिकट्स बिके हैं, 604। ठीक, जयपुर की बात करते हैं, 77 शोज हैं, 1 लाख एडवांस है, 290+ टिकट्स हैव बीन सोल्ड, जो कि भोपाल की बात करते हैं यहाँ पे मामला लाखों तक गया ही नहीं है, अभी सिर्फ हज़ारों में 82,000+ नंबर है, जो कि हैदराबाद में 92,000 नंबर है, 490+ टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। हाँ भाई, हैदराबाद में एवरेज टिकट्स प्राइस कंपैरिजन टू जयपुर काफ़ी ज़्यादा कम है एंड टोटल ऑफ नंबर्स की बात करें तो विदाउट ब्लॉक सीट्स 22 लाख के आसपास एडवांस है, जो कि 7400+ टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 7400 से ज़्यादा भाई टिकट्स है अब तक बिक चुके हैं, मतलब कि 10,000 भी नहीं। एंड टोटल ऑफ शोज काउंट की बात करें तो 2900+ शोज हैं। मैंने स्टार्टिंग से बताया था, कल भी बताया था कि 10 से लेकर 12,000 के आसपास शोज हैं वो मिलने वाले हैं चंदू चैंपियन को, चाहे रिस्पॉन्स थोड़ा डिसेंट क्यों ना मिले। देखो अपोजिशन मतलब कोई बड़ी पिक्चर नहीं चल रही अपोसाइड में, तो शोज ज़्यादातर मैक्सिमम सभी यहाँ पे चंदू चैंपियन को ही मिलने वाले हैं। लेट्स सी, अभी ओपनिंग का वेट है, मैंने कल बताया था कि 5 लेकर 6 करोड़ के इर्द गिर्द आप पकड़ लो, 10 करोड़ फिलहाल भाई मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेट्स सी, अभी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला जो 2-3 है वो किस तरह के रहते हैं। नेशनल चेन्स की बात करते हैं, PVR में ऑलमोस्ट 2185 टिकट्स बिके हैं, INOX में 1438 टिकट्स बिके हैं, जो कि सिनेपोलिस में 1278 टिकट्स बिके हैं, जो कि टोटल 4902 टिकट्स बिके हैं, अभी 5000 भी नहीं बिके हैं नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में एंड 14 लाख के आसपास एडवांस है लगभग नेशनल चेन्स में। तो नेशनल चेन्स हो या फिर सिंगल स्क्रीन क्यों ना हो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। एंड कल हमने जब इसी टाइम डिस्कशन किया था, ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास एडवांस था, तो या कल से लेके अभी तक जंप तो अच्छा खासा हमें देखने को मिला है, बट वो स्पीड नहीं जो गाइस हमें अभी चाहिए थी। बट हमने आजकल भाई ये भी नोटिस किया कि पब्लिक भाई वेट करती है पब्लिक रिएक्शन का, रिव्यू का, एंड उसके बाद हमें वीकेंड में यानी कि सैटरडे संडे को भाई जंप है वो देखने को मिलता है। मे बी यहाँ पे कुछ सीन भाई ऐसा ही हो, लेट्स ही देखते हैं। बाकी आई होप सबको भाई अच्छे समझ में आ गया होगा, बाकी डिवाइस एडवांस हो गया और डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।